तो कैसे हैं आप लोग। हाय गाइस, आज की वीडियो होने वाली कैसे मैंने अपने सब्सक्राइबर को बेस जो बैच आता है, जो मेडल आता है, वो मैंने कैसे उनको दिलाया। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, देखना आगे कि मैंने कैसे उनको क्या क्या करके मतलब दिलाया हूँ। ठीक है, तो अभी तो सबसे पहले अपने सर्वर में बैच आ चुकी है, आप देख रहे होंगे 1 घंटे 12 मिनट की ये जो सर्वर बची है इसमें बैच आ चुका है। क्योंकि आपको पता होगा गाइज कि हर एक 1 घंटा 20 मिनट के बाद ही बैच आता है, हर एक सर्वर में 1 घंटे जब 20 मिनट का टाइम रहता है तभी बैच आता है। तो मैं यहाँ जैसे ही जल्दी से निकलता हूँ तो ये देखो भाई मेरे साथ ये जो ग्लिच होता है गाइज ये हमेशा के लिए है। ठीक है, ये गेम जब तक खेलूँगा तब तक होगा, मेरे को समझ में आ गया है। तो मैं दोबारा यहाँ पे कंफर्म करके यहाँ से अब थोड़ा दूर जा के स्पॉन होने की ट्राई करता हूँ। तो फाइनली मैं यहाँ स्पॉन हो गया हूँ। यहाँ पे ये देख लो अपना मोटू सेठ जिसका नाम है बायो जोम्बी। ओ भाई कोई इनेमी आ चुका है, फिर भी मैं डर रहा हूँ यार। ठीक है, डरना भी चाहिए ना भाई, नहीं तो इनेमी को पता कैसे चलेगा कि मतलब मुझसे कोई डरता नहीं है। तो भाई देख लो यहाँ पे इनेमी के लिए लैग या फुटप्रिंट मेरे को दिख रहे हैं, तो पहले मैं इसी नेमी का नेम चेक कर लेता हूँ। तो कोई चाइनीज बंदा है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चाइनीज बंदे हैं, आप देख रहे होंगे उनको ये अपना बॉस ही उनको भगा दे रहा, तो मैं उनको मार नहीं रहा। तो अभी बैच के लिए करीब करीब 7 मिनट बाकी हैं, तो ये पता नहीं गाइज कि मतलब मैं बॉस को दिख रहा हूँ कि नहीं। ये एक बंदा है जो सब्सक्राइबर है गाइज, तो देख लो भाई इसको भी बैच देने वाले हैं, और ये भी मतलब बहुत दिन से कह रहा था कि भाई बैच दिला दो। और एक बंदा जो है वो आप पता चल जाएगा कि और एक बंदा किसको मैं देने वाला हूँ। तो अब 5 मिनट बचे हैं, तो अब जल्दी से मैं अपने ग्लाइडर में फ्यूल वगैरह डाल लिया। ये बंदा बोल रहा है कि भाई मेरे को अपने मोटरसाइकिल के लिए थोड़ी सी तेल दे दो, तो मैंने उसको दे दिया हूँ। अब ये क्या कर रहा भाई मेरे को नहीं पता, ये जो भी कर रहा है। तो भाई इसने तोड़ दिया, मेरे को तोड़ना था लेकिन इसने तोड़ दिया। लेकिन मैं क्या करता हूँ गाइस, जब बैच यहाँ से मिल जाता है तो मैं अभी इसको नहीं देने वाला, क्योंकि बाई चांस अगर ये मर जाता है गाइस तो फिर ये बोलेगा इनके भाई मैंने मतलब बताया और मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, फिर मैं आपने मेरे को दिया भी नहीं। तो यहाँ पर आ गई है भाई हमारे घर के पास बाढ़, ये देख लो यार एकदम पूरा सारी जगह पानी से भर गया है। अब मैं इस बाढ़ में मतलब तैराकी का मज़े ले रहा हूँ, अगर उधर गया ना भाई तो पता है कहाँ चला जाऊँगा, एकदम सीधे उसके नीचे ही चला जाऊँगा, फिर निकलने वाला नहीं, पता नहीं मर गया तो बैच भी उसी के अंदर रह जाएगा। तो मैं उससे पंगे नहीं लेता हूँ भाई, ये जो बाढ़ आया है तो वो देख लो। अब भाई देखो ये बैच तो दे ही रहा हूँ भाई, तो अब बैच के लिए भाई इनको सुरक्षित बैच तक मतलब हेली तक ले जाना भी ज़रूरी है, और अपने पास अभी 1 घंटा टाइम है। तो इसके लिए करना मैं क्या आया था गाइस कि मैं इनके लिए कार डिज़ाइन करने आया, कि कोई एक अच्छी सी कार मैं जल्दी से इनके लिए डिज़ाइन कर दूं ताकि मैं बैच दे सकूं। तो मैं जल्दी से पहले एक कार डिज़ाइन कर लेता हूं, क्योंकि मेरे को कुछ आता हूं नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा कार तो ज़रूर बना दूंगा कि जिनसे इनको आसानी से मतलब बैच मिल जाए। ठीक है, और मैंने अभी तक इनको बैच इसलिए नहीं दिया गाइस क्योंकि मैं एडमिन हूँ, तो इसीलिए मैं तो मेरे को कोई मार नहीं सकता, लेकिन इन बंदों को अगर मार दिया तो प्रॉब्लम होगी। जबकि मैंने इनको एडमिन वाली वो सूट वगैरह भी दिला दिया हूँ, गन वगैरह वगैरह भी, जिसकी डैमेज 10,000 है और सूट की डैमेज है 30,000 से 50,000 डैमेज है, कि कोई भी बंदा उसको इतना आसानी से नहीं मार सकता गाइस। लेकिन फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों को प्रॉब्लम हो गाइस। ठीक, अब देखो भाई एक प्रॉब्लम और है, कोई बंदा अगर बोलेगा यार कि मतलब मेरे को 24 बैच दिलाओ कि मेरे को ग्लाइडर लेना है, तो भाई इतना नहीं हो सकेगा मेरे से। ठीक है, आप आओ बैच लो, ज़्यादा ज़्यादा हो सके भाई अपना भी जुगाड़ लगाओ इधर उधर से कुछ, और कुछ जुगाड़ हम भी लगा देंगे। ठीक है, जिससे कि आप मतलब अपने क्राउन बॉर्डर ले सकते हो। अब भाई ग्लाइडर मैं नहीं दिला सकता, ठीक है, क्योंकि आप एक बंदे तो हो नहीं, आप बहुत सारे बंदे हो ना दोस्तों, सारे मेरे ही दोस्त है, कोई मतलब अलग है नहीं कि मतलब मैं एक के लिए दिलाऊं और सबको मतलब यूँ ही छोड़ दूं, तो ये मेरे से नहीं होगा। ठीक है, मैं दूंगा तो भाई सबको दूंगा। तो भाई मेरी यहाँ पे कार आप देख रहे हो कि रेडी हो चुकी है, तो थोड़ा सा और इसको पीछे से मॉडिफाई कर लेते, बॉक्सेज वगैरह डालते हैं जिसमें बुलेट्स डाल देंगे कि इनको मतलब कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। लेकिन इतना सियोर भाई जिनको मैं बोल दूंगा कि हाँ भाई आपको इस बार बैच दिलाऊंगा तो दिलाऊंगा जरूर। तो भाई फाइनली अपना कार रेडी हो चुका, तो थोड़ा सा स्प्रे कर दिया मैंने, ये रंग मैंने खरीद लिया था। ठीक है, अभी जस्ट खरीदा हूँ, तो देख लो भाई एक बैच तो पहले ही विनोद भाई को देता हूँ जिससे कि अपना टेंशन ख़त्म हो जाए, इनका बैच मिल जाए, ये अपना जाए भाई, एक बैच पहले स्प्लिट करके दे दूँ। तो फाइनली मैंने इनको एक बैच दे दिया, अब इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं। तब जल्दी से जो मैंने कार मॉडिफाई किया था गाइस, ये देखो भाई एक बैच इसको देना था, या समीर भाई को जिसका था अपनी डुओ जर्नी चल रही। समीर भाई बहुत दिन से खेल रहे हैं यार, लेकिन इनके पास क्राउन बॉर्डर नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं,
किसी तरह इनको दिलाते हैं क्राउन बॉर्डर। अभी तो फिलहाल एक बैच आज दिला दूंगा मैं किसी तरह, बाकी आगे देखते हैं अगर हो सकेगा तो कोशिश रहेगी भाई कि इनको क्राउन बॉर्डर दिला दूं, ठीक है। और मेरे भी ये इस मंथ की दूसरी बैच होने वाली है, और आपको पता होगा इस कि एक मंथ में आप 4 ही बैच ले सकते हो, ठीक है। और बाकी मैं अपने दोस्तों वगैरह से जुगाड़ करूँगा, ठीक है। ऐसे मेरे को एक सर्वर में अथी भी है कि मतलब स्टैंडर्ड मोड का है मेरे पास कि मतलब रेस्क्यू करना है, एक मिशन भी है, तो उस बहाने मेरे मिशन भी हो जाएंगे अगर मैंने दोस्तों से जुगाड़ कर लिया तो। तो अभी छोड़ते हैं उसे, जल्दी से मैं इन लोगों के लिए कार की तैयारी करता हूँ। इन लोगों ने क्या किया गाइस पता है आपको, इन्होंने मेरा पूरा बेस उड़ा दिया है। तो कार के लिए बहुत सारे सामान चाहिए होते हैं, स्पेयर वगैरह, तो मैं सबसे पहले मैंने विनोद भाई को बोल दिया भाई आप वर्क बेंच तैयार करो, मैं उसको अपग्रेड करने की कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी, मैंने स्पेयर निकाल लिए थे। तो इन्होंने विनोद भाई ने तब तक वर्क बेंच भी बना लिया, तो मैं जल्दी से अपग्रेड करता हूँ गाइज। अब यहाँ पर देखो क्या सीन होता है गाइज, मैं यहाँ अपग्रेड कर रहा हूँ, कोई बंदा इसको कैंसिल कर रहा है। यार देखो यही तो गड़बड़ है ना, यहाँ पर देखो भाई एक दूसरा बंदा है। अब वो क्या कर रहा था यार, मतलब मैं इसको अपग्रेड कर रहा हूँ, यार आप आए हो यार मिलने तो मिलो यार, लेकिन देखो भाई एक बार में तो मैं सबको बैच नहीं दे सकता ना। अब एक बंदा यहाँ पे आके मतलब यार बार बार कैंसिल कर रहा था, तो मेरे को इसको 2-3 मिनट देखो अभी भी फिर किसी ने कैंसिल कर दिया यार, सीट क्या बंदे यार। तो चलो भाई फाइनली इसमें मीडियम बेंच में तो अपग्रेड हो गया, 8th है। अब इसको जल्दी सा अपग्रेड करते हैं एडवांस में। तो ये देख लो भाई अपने पास कुछ अति वगैरह, तो अब ये एडवांस में भी हो रहा है, तो मैं इनको दे देता हूँ कुछ, क्योंकि ऐसे विनोद भाई बोल रहे थे कि मैं एक सुपर कार बना सकता हूँ जिससे कि वो जल्दी से जा सके। अब मेरी भी कार बनने ही वाली है, लेकिन पहले ये तो अपग्रेड हो रहा है, तो इस बार मैं किसी को कैंसिल करने नहीं दिया, तो बन गई है। अब मैं जल्दी से कार लगा देता हूँ बनने में, यहाँ पर विनोद भाई को उसके सामान भी देता हूँ जिससे वो सुपर कार बना सके। यहाँ पर इनके लिए कार अपनी रेडी हो चुकी है गाइज, देख के बताना गाइज कि कार कैसे बनी, अच्छी बनी है ना क्या है, आप कमेंट करना कि अगर अच्छी लग रही है कार तो बोलना यार कि मतलब हाँ ठीक है, अगर ख़राब लग रही है तो इसमें और मुझे क्या मॉडिफाई करना है। और डिसलाइक अगर देते हो गाइस तो प्लीज़ बताओ यार कि मतलब क्या कारण से मतलब आपने डिसलाइक किया है, अगर कोई कारण है तो कमेंट कर दो यार, मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और बाकी आप जो इतना सपोर्ट दिखाते हो गाइस उसके लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार हूँ। तो भाई इन सबको मैं मतलब देखो भाई किस तरह मैं इनको बुला बुला के कार में बैठाता हूँ भाई, आप देख रहे हो 16 मिनट बचे हैं। और समीर भाई तो विनोद भाई बोलते कि मैं समीर को पहुँचा देता हूँ, बाकी ये उधर ही रहे, लेकिन मैं इनको बुला बुला के बैठा रहा हूँ कार कि भाई तुम दोनों कार लेके जाओ, हम लोग तो पहुँच ही जाएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं। तो जल्दी से मैं यहाँ कोड डालता हूँ, लेकिन यहाँ पर समीर ये विनोद भाई मेरे को कोड बता रहे होते कि इतना इतना है, तो क्योंकि विनोद भाई को भी वहीं जाना था तो वो जो भी कोड बता रहे तो मैं लिख लिया यहाँ पर, जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ पहले कोड और क्या बोल रहे हैं। ओके भाई तो उन्होंने कोड बता दिया। तो भाई देखो हमारी आवाज़ इसलिए नहीं आती है क्योंकि हम और विनोद भाई समीर भाई जो भी भाई डिस्कॉर्ड पे जल्दी नहीं खेलते हैं, हम लोग जो भी खेलते हैं कॉल पे ही मर्ज करके खेलते हैं, क्योंकि कॉलिंग से मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती और डिस्कॉर्ड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अब देखो भाई यहाँ पे सीन क्या होता है कि इन दोनों ने मिलके कार को कहीं फंसा दिया होता है। अब देखो भाई इतना कोई भी नहीं करेगा भाई, कोई भी एडमिन और कोई भी आपका दोस्त होगा जो कि इतना नहीं करेगा कि आपके लिए जाके, जबकि समय इतना कम बचा है भाई, फिर भी आपके लिए जाके बैग लगाए। तो मैं सोच रहा एक फ्लेयर गन बचा था तो इसको पहले छोड़ देता हूँ और उनके लिए जाके बैग लगा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं उनके लिए क्लोथ निकालता हूँ, यार क्लोथ कहाँ है। ओके गाइस तो फाइनली मुझे क्लोथ भी मिल गए, इसके पहले नंबर डाल देता हूँ और क्या ऐड आइटम पहले करना होगा, उसके बाद नंबर डालने होंगे। ओके तो क्लोथ में कुछ कितने चाहिए, 1000 कर लेता हूँ गाइस, क्योंकि कम से कम 2-3 बैट तो बन जाए जल्दी सा। तो मेरे बैड बन चुके हैं, यहाँ पे जल्दी से लगा देता हूँ, कहाँ पे लगेगा, यहाँ यहाँ ठीक रहेगा गाइस। तो फाइनली हमारा बैड बन चुका है अपने दोस्तों के लिए, इनको गिफ्ट भी करते हैं। ओके तो दो बैड तैयार हो गए गाइस, बहुत ही जल्दी में तैयार करना पड़ा क्योंकि समय बहुत ही कम है गाइस। तो जल्दी से मैं इनको प्रजेंट भी कर देता हूँ ताकि ये मर के भी आ जाए, मैं इनको बैच दे के जल्दी से रेस्क्यू करा सकूँ। तो पहले इनको करा देते हैं, और एक है समीर भाई, समीर भाई का नाम कहाँ है यार, यार समीर भाई कहाँ हो, कुछ ज़्यादा ही नीचे चले गए सिट यार, ये भी क्या हो गाइज, इतने सारे लोगों ने फॉलो किए हुए हैं गाइज कि मतलब मैं नाम खोजते खोजते परेशान हो जाता हूँ यार। ओके कहाँ है भाई, सही में मेरे को नहीं मिल रहा गाइज कहाँ है इनका नाम। ओके फाइनली मेरे को मिल गया, इनका नाम बहुत ही नीचे था। तो देख लो भाई इनको तो सबसे पहले मैं आर्मर दे देता हूँ क्योंकि यहाँ पे बंदे हैं जो कि इनको मारने में कसर नहीं छोड़ेंगे, ये स्टील आर्मर जो पड़े हुए हैं भाई, तो सबसे पहले मैं इनको यही दे देता हूँ, ठीक है। लो भाई
मैं तो अपनी खोल के भी दे दूँ यार, लेकिन अरे भाई यहाँ दो दो पड़े हुए यार, तो क्यों ना इसी में से दे दूँ। तो मेरे पास फाइनली सारी चीज़ पड़ी हुई है तो मैं इनको दे ही देता हूँ। ये देखो भाई, मेरे को पक्का पता था कि ये लोग मारेंगे। तो देखो भाई, सीन यहाँ पे ये होता है ना कि जब आप किसी को बैच दे रहे हो भाई, तो उनको सेफली उनको देना ज़रूरी है ना। आप लोग आके उनको तंग करोगे भाई, कल दिन मैं आप ही को दूंगा, तो आपको कोई तंग करेगा तो मैं श्योर है भाई कि मैं उस बंदे को मारूंगा। ठीक है, जिस समय मैं जिसको बैच नहीं दे रहा यार, तो जिसको दे रहा हूँ उसको प्रोटेक्ट करना तो मेरा काम है भाई। तो जब उसके लिए इतना कर रहा हूँ तो भाई प्रोटेक्शन भी दूंगा ही। ठीक है, ये वो वाली नहीं है, समझ लेना। ठीक है, ये देखो भाई, ये मतलब मैंने इनको आर्मर वगैरह दे दिया, मास्क भी दे दिया, अभी ये केवल बैच के लिए रेडी। तो मैं इन सबको पहले मार के हटा देता हूँ। कुछ बंदे बोल रहे थे कि डोंट शूट मी, डोंट शूट मी यार। तो भाई देखो, आप भी सब्सक्राइबर हो, ये सारे भी हमारे सब्सक्राइबर। ये भाई समीर भाई का अलग ही सीन है यार, ये बार बार ऑफ हो जा रहे हैं, इनका नेट सही नहीं चल रहा, क्या हो रहा पता नहीं यार, मेरे को समझ नहीं। तो पहले मैं इस बंदे को एक दे देता हूँ, बोलता हूँ कि आप जाओ यहाँ से बैच लेके। ये बंदा क्या करता है, लेता है बैच, यहीं पर रुका हो रहा था। तो मैं इसको मारू के भगाता हूँ, किस तरह बोलता हूँ जाओ उधर यार, जाओ तुम जाओ, मैं आ जाऊँगा अपने समीर भाई को लेके। तो भाई ये देखो, ये बंदा है उसका पीछा कर रहा, तो इसीलिए मेरे को मारना पड़ा। जो भी हो भाई, तो गलत मत सोचना यार कोई भी। तो अगली टाइम जब आपकी आएगी भाई, तो आपको भी प्रोटेक्शन इसी तरह मैं दूंगा। अगर मैंने अगर बैच दिया अगर आपको, तो श्योर है भाई कि मैं आपको इसी तरह हेल्प करूंगा। ठीक है, अगर कोई और बंदा है तो मैं उसकी गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं अगर दिया तो भाई मैं हेल्प करूंगा। अब मैं एडमिन हुआ तो वहाँ पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। और समीर भाई को मैं बोलता हूँ, भाई अब आपको बाहर में नहीं देने वाला मैं, अब आप आ जाओ अंदर तभी दूंगा बैच, नहीं तो नहीं दूंगा एकदम, मैं उनको बोल देता हूँ साफ साफ। तो यहाँ पे अब समीर भाई अब जैसे ही ऑन होते हैं यार, अब वो भी देख रहे होंगे मैप में, वो आ रहे हैं। तो अब मैं उनको पूरा यहाँ तक आने देता हूँ, क्योंकि अब 8 मिनट बचे भाई। अब बाहर में कोई मार के ले लेगा गाइस, तो ना ही उसे फ़ायदा होगा ना ही किसी और को। ये क्या कर रहा था भाई, ये अपने बैच को दिखा रहा था यार, पहली बार इनको बैच मिली है यार, तो एक अलग ही खुशी होती है ना। तो समीर भाई भी फाइनली अंदर आ चुके हैं, देख लो आ ही रहे हैं, समझ लो पहुँच गए हैं। तब मैं उनको भी बैच दे देता हूँ जल्दी से। कहाँ है समीर भाई, आओ जल्दी। ओके, तो फाइनली समीर भाई भी आ चुके हैं अंदर, देख लो गए। अब मैं इनको क्या करता हूँ, सबसे पहले इनको आर्मर वगैरह तो मैं दे ही दिया था पहले ही, तो विनोद भाई भी दे रहे हैं, क्योंकि मैं इनको बोल रखा हूँ कि जिनको बैच देना भाई उनको सही सलामत बैच देना है। तो मैंने इनको बैच भी दे दिया। अब अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं बचे भाई, एकदम 7 मिनट बचे, बहुत जल्दी रेस्क्यू होने वाले हैं। तो जल्दी से देख लो भाई, और भी बहुत सारे बंदे लोग यहाँ पे बैच देख के आ रहे हैं। तो भाई देखो, और कुछ लोग बोल रहे थे भाई मारना ज़रूरी है यार, मारना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग तंग कर रहे थे यार, इसीलिए मारना पड़ा, वरना आपको मारने का कोई अति नहीं बन रहा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपकी है गाइज, तो यार कमेंट करो वीडियो को, आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ यार। ठीक है, और लाइक और जो सपोर्ट मिल रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। ठीक है, तो अब बहुत ही जल्दी रेस्क्यू होने वाले भाई। जो बंदा पहली बार लेता है ना बैच यार, उसको बहुत ही खुशी होता है, मेरे को देने में पहली बार बहुत खुशी हुआ, दूसरे बंदों को भी बैच। ठीक है, और इसी तरह जब तक मतलब देते हुआ तब तक मैं पॉसिबल होगा भाई तो मैं दूंगा। ठीक है, पूरा ट्राई रहेगा देने का। तो फाइनली हम लोग रेस्क्यू कर जाते हैं गाइस, तो देखते भाई क्या क्या मिलता है, किस किस बंदे को मिला है। यहाँ पे फाइनल पता हो गया, देख लो भाई किसके किसके पास बैच मिला है। मेरे पास एक बैच मिलता है, ये गाइस एक बैच देख लो। बाय बाय।